हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो एलएलबी और बीएलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन 2021 में लिया है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जिन्होंने एडमिशन जो 2021 से 2024 का बैच जिनका है एलएलबी का, और बीएलएलबी का जिनका 2021 से 2026 के बीच का बैच है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो इन लोगों के एग्जाम आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने एक बार पहले ही जो अपना नोटिफिकेशन जो है जुलाई में जो है लगभग का रिलीज किया था, उसमें बोला था इसने कि आपका जो है एग्जाम मार्च में होगा, मार्च के लगभग में होगा, ठीक है। उन्होंने डेट भी मार्च में दी थी और ये भी बोला था कि एग्जाम आपका कैसे होगा, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्च में एग्जाम हुआ नहीं, लेकिन अप्रैल में उन्होंने एग्जाम अपना जो है बता दिया कि अप्रैल में एग्जाम होगा। तो आप सबसे पहले जो है आप कैसे ये चीज़ देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होना है, जो है स्कीम क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाने के लिए हम जो है क्रोम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप डालिए कि कानपुर यूनिवर्सिटी, इसके आप वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ गए। तो उसके बाद अगर जो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कीम आपको अभी दिखेगी, ठीक है। ये आपकी जो है यहाँ पे सो रही है आपकी स्कीम ऑफ एलएलबी एंड बीएलएलबी एग्जाम। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ये नोटिफिकेशन जो आप ओपन करेंगे ना, तो इसमें 404 फाइल जो है इधर आ जा रही है। तो यहाँ से आप जो है अपना स्कीम नहीं देख पा रहे, लेकिन हमारे पास स्कीम आई है, हम आपको अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्कीम आई है वो क्या है अभी आपको हम बताते हैं पूरी डिटेल। तो यहीं पे अभी हमने आप स्कीम डाउनलोड की थी, हमारे पास स्कीम आई थी तो वहाँ पे से हमने डाउनलोड की। तो यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में ये आपकी स्कीम यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको क्लिक करो, ये आपकी जो है डाउनलोडर स्कीम है, ठीक है। अभी ये आपकी जो है स्कीम डाउनलोडर इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, ठीक है, और ये स्कीम कहाँ से आई है। तो आप लोग जानते हैं कि जो है ये कानपुर यूनिवर्सिटी ने जो है स्कीम को दिया है, ठीक है। और यह कभी स्कीम आई है, 25 तारीख को आपकी स्कीम आई है, यहाँ पे 25 मार्च 2022 को आई है, ठीक है। यह वीडियो 26 को बन रहा है तो यहाँ एक दिन पहले स्कीम आई है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या इसमें शो कर रहा है कि विषय क्या है आपका, महाविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के संबंध में आपको ये बताया गया है। विषम मतलब आप समझते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फाइव सेमेस्टर, ऐसे आपके जो एग्जाम होने हैं, ठीक है, उनकी स्कीम है, ठीक है। आगे यहाँ पे कृपया आदेशानुसार आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिषद बीपीएड एवं एमपीएड की परीक्षाएं संलग्न परीक्षा कार्यक्रम संपन्न होंगी, ठीक है। उपयुक्त परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 के अन्य दिशा निर्देश को पालन करें, अतः अपने स्तर से सभी जो है उक्त से अवगत कराने का कष्ट करें, ठीक है। अपने स्तर से सभी संबंधित छात्रों को जो है परीक्षा के बारे में बताने का अवगत करें, ठीक है। इसके आगे आपको क्या दिया है, यहाँ पे अंजनी कुमार मिश्रा है और यहाँ पे जो है ये चीज़ें केवल क्रॉस लगा है, यहाँ पे साइन नहीं दिख रही है। यहाँ पे सीसी होता है, मतलब किस किस से ये जो है हो के आई स्कीम, वो किस किस ने इसको आदेश को जो है करवाया है, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें दिखती हैं। इसके आगे आपका सहायक कुल सचिव परीक्षा का आपको यहाँ पे सिग्नेचर दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे किसकी किसकी एग्जाम होने वाले हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपका एग्जाम होने वाला है 9 AM से 10:30 PM तक, ठीक है। 1 तारीख से परीक्षाएँ स्टार्ट हो रही। हम लोग आते हैं बीएलएलबी में, बीएलएलबी और एलएलबी में आपको देखना है, ठीक है। तो आते हैं आपका एलएलबी और बीएलएलबी। तो ये आपका हुआ एलएलबी के लिए, ये जो बच्चे हैं एलएलबी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर कोर्स जिनका होता है, ठीक है। एग्ज़ाम मार्च जो है 2022 में होना था, लेकिन नहीं, ये एग्ज़ाम आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जिनका जो है आपका बैच 2021 से 2024 के है उनके लिए है। और आपके जो है यहाँ पे जो एग्ज़ाम होना है वह 3 PM से होना है 4:30 PM तक। तो ये टाइम काफ़ी जो है इस बार जो है चेंजिंग रहा है, और ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 1 अप्रैल से। आपका पहला एग्ज़ाम है लॉ कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा आपका एग्ज़ाम जो है
2 अप्रैल से है, ठीक है। 2 अप्रैल को फैमिली लॉ, 1 का मतलब हिंदू लॉ आपका, और 3 अप्रैल को आपका लॉ क्राइम का पेपर है, इंडियन पेनल कोड जिसको IPC आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और 4 को आपका पेपर है लॉ टॉर्स का, ठीक है। 5 को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ पैटर्न देखे होंगे कि एग्जाम आपका जो हो रहा है वो बिना गैप के हो रहा है, सीधे आपका एग्जाम हो रहा है, कोई बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना होंगी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जो है ये चीज़ें डिसाइड ही करना पड़ेंगे कि एग्जाम कैसे जो है आप तैयार करेंगे, कैसे नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे आप वो लोग देखना अपना कैसे तैयार करना है, और थोड़ा अच्छे से मेहनत करके इसको आप जो है एग्जाम दीजिएगा। अगला आपका यहाँ पे जो है पॉइंट वो BLLB वाले बच्चों के लिए है। तो BLLB का क्या है, BLLB का भी जो है एग्जाम 1 अप्रैल से है, ठीक है। और BLLB का पहला एग्जाम पॉलिटिकल साइंस है, सेकंड एग्जाम इनका जो है जनरल इंग्लिश, थर्ड एग्जाम आपका जो है सोशोलॉजी का है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम इकोनॉमिक्स, 5 एग्जाम जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, और 6 एग्जाम आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट का है, ठीक है। तो ये भी आपका पेपर जो है 1.5 घंटे में होना है, और 3 बजे से 4:30 बजे तक तो होना है। बैच आप लोग जानते हैं 2021 से 2026 फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम होना है। यहाँ पे आपका अंजनी कुमार मिश्रा कंट्रोलर का भी साइन दिया है, आपका जो है अजय अजीत प्रताप सिंह इनका भी साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि ये स्कीम तो ये कन्फर्म है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये चांसेस हो सकते हैं 1% की ये चांसेस हो सकता है कि भैया ये स्कीम आगे बढ़ जाए, लेकिन 99% चांसेस है आपका कि ये स्कीम यही होगा, 1 अप्रैल से यूनिवर्सिटी आपके पेपर करवाएगी ही, ठीक है। तो अब लग जाइए, अगर जो आपने थोड़े भी ढीला साजी अगर जो आप की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, ये जो एग्ज़ाम आपके हैं ये MCQ वाले ही होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बहुत पहले ये चीज़ें बोल के रखी हैं कि एग्ज़ाम आपके MCQ बेस होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों के लिए हो, हाँ जितना हो पाएगा उतना हम आपके लिए वीडियो देंगे, और भी चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर। अगर जो आपको जो है यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।